नमस्कार, मैं भार्गवी, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग बिहार में। बिहार में एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि सभी 24 सीटों पर वो आने वाले एमएलसी चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी को जीतना है और पूरे बिहार में राज करना है। मंत्री मुकेश सहनी ने अति पिछड़ा समाज का आरक्षण 18 से बढ़ाकर 33% करने की मांग की है। मंत्री मुकेश सहनी 6 स्ट्रैंड रोड आवास पर स्थित जुब्बा सहनी सभागार में जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कर्पूरी संकल्प महाअभियान की शुरुआत भी की। मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार राज्य सामाजिक न्याय के मामले में देश में अग्रणी रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने वर्ष 1978 में ही पिछड़ों और अति पिछड़ों के हित में आरक्षण लागू किया। उसके बाद कई जातियों को समय समय पर बीसी वन अर्थात अति पिछड़ा वर्ग में जोड़ा गया, लेकिन अति पिछड़ा का आरक्षण कोटा नहीं बढ़ाया गया है, वो जस का तस है। इससे पुरानी अति पिछड़ी जातियों को काफी नुकसान हुआ है। आगे उन्होंने कहा है कि बिहार में अति पिछड़ा समाज की जनसंख्या 35% से कहीं अधिक है, लेकिन आरक्षण महज सिर्फ 18% ही मिलता है। वहीं मुकेश सहनी ने यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने पर कहा कि हम किसी का विरोध क्यों करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, पार्टी अपना काम कर रही है, यूपी में अलग लड़ने का बिहार में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, सबकी अलग अलग पार्टी है और अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, हम बिहार में गठबंधन में हैं, बाकी जगह तो हम स्वतंत्र ही हैं। अति पिछड़ा समाज का बड़ा तबका है पूरे भारत में, उनकी समस्या को लेकर ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस दौरान आगे पत्रकारों से बातचीत करते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने चरणजीत सिंह चन्नी वाले बयान पर कहा कि राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके से यूपी और बिहार के लोगों को टारगेट करना कहीं भी सत्ता के लिहाज से वाजिब नहीं है। तब तक तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।